चलिए बच्चों, चौथे लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं। आज बायोमॉलिक्यूल का चौथा लेक्चर है ये, ध्यान से सुनिएगा इसमें। और इस वाले लेक्चर में हम लोग लिपिड को कंप्लीट करेंगे, तो टाइम हमारे पास काफी है। जरा लिपिड की तरफ चलते हैं और अब ध्यान से सुनो, मैं आपको इससे पिछले लेक्चर में प्रोटीन की सारी कहानी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं ऑलमोस्ट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लिपिड है, ठीक है। लिपिड के बारे में पहली बात तो तुम्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं है, पहली बात तो ये नोट करके रखो, आप बहुत ज्यादा अंदर मत घुसना वरना लिपिड तुम्हें परेशान करेगा। मैं आपको बस उतना बताने की कोशिश करूंगा जितना कि तुमसे नीट में पूछा जा रहा है। सुनिए ध्यान से, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या वर्ड बोला आपसे, तो पहली बात मैंने देखो क्या बोली है, लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। इसका मतलब जितना भी लिपिड है वो सब के सब वाटर में अघुलनशील, मतलब इनसॉल्युबल है, वो नहीं घुलेंगे। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक नया पेपर लेके मैं यहां से एक हेडिंग उठाता हूं और आप भी हेडिंग उठाइए। लिपिड के बारे में लिखना पड़ेगा आप लोगों को, बिना लिखे काम चलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सच में। बिना लिखे अगर तुम ये सोच रहे हो कि काम हो जाए हमारा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। रुको पानी वानी पीने दो यार मुझे भी। चलते हैं आगे की तरफ और चलिए बढ़िया। तो अब हम आते हैं लिपिड्स पे। तो सबसे पहले आपको जो कहानी समझनी है, पहली बात वो ये है कि लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। ये लिपिड जो है आपके वाटर इनसॉल्युबल होंगे, ये पहली बात आपको समझ में आ गई है। तो मैं इसको बड़े धीरे धीरे और बड़े आराम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि एक भी क्वेश्चन इसमें से हट ना जाए, डिविएट ना हो जाए, ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद जो मैं दूसरी बात इनके बारे में लिखूंगा उसके बारे में ध्यान से समझिए, दे आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स। इतनी बात आपको अब समझ में आ रही है कि ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है। एनसीईआरटी की तरफ भी जरा नजर रखना, देखिए ध्यान से, वैसे लिखा नहीं है लेकिन आप जान लें कि वाटर इनसॉल्युबल तो मैं आप लोगों को बता चुका कि दीज आर एक्चुअली द वाटर इनसॉल्युबल, दूसरा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स है। तीसरी बात बहुत ध्यान से देखिए, इनकी एक्चुअली एनर्जी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आप लोग तीसरी बात जो लिखेंगे वो ये है, हाई एनर्जी वैल्यू, इनकी हाई एनर्जी वैल्यू है। आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि 9 किलो कैलोरी एनर्जी दे देता है ये, जबकि कार्बोहाइड्रेट की 4 है। मैंने आपको बताया होगा, शायद आपने डाइजेशन में पढ़ा हो लेकिन आप शायद रेस्पिरेशन में भी इस चीज को पढ़ लेंगे। तो डाइजेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि कैलोरिक वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो उसमें किसकी ज्यादा आती है, वो लिपिड की ज्यादा आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिपिड के पास में कैलोरिक वैल्यू या फिजियोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा है और ये हाई एनर्जी वैल्यू रखता है, आपकी बॉडी इससे एनर्जी बनाती है। मैं एक चीज आपको और समझा रहा हूं इसी में, वो भी आपको नोट करनी है, और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आराम से नोट करिए। विटामिन कौन कौन से, ध्यान से देखो, ADEK, अडेक करके याद रखते हैं इनको। ये सबके सब क्या है, आर लिपिड सॉल्युबल। ये सारे के सारे विटामिन जितने मैंने आप लोगों को बताए, ये सब के सब आपके क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल लिपिड हैं कितने टाइप के। तो सबसे पहले जो मैंने लिखना है उसे हम लोग कहेंगे सिंपल लिपिड, दूसरे वाले जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन्हें हम लोग सिंपली कहेंगे कंपाउंड लिपिड। बस इतनी बात है इसके अंदर, बहुत ज्यादा इसमें घुसना नहीं है तुम लोगों को। और लास्ट में जो एक और है उसे हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड लिपिड। ये इतने तरह के हो गए, ये इतने तरह के लिपिड आप लोगों को अच्छे से स्टडी करने हैं। तो सिंपल लिपिड हो गया, सिंपल लिपिड के बाद में मैंने आपको क्या बोला, सिंपल लिपिड, दूसरे कंपाउंड लिपिड, तीसरे कौन से हो गए, ड्राइव लिपिड। क्लियर हो गया, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा पहली बात ध्यान से ये देख लीजिए कि सिंपल लिपिड में हम किसे किसे पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात, सिंपल लिपिड में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे फैट। दूसरी चीज, सिंपल लिपिड में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑयल। तीसरी चीज, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन बस छोटी सी बात आपको पढ़नी है कि वैक्स भी पढ़ने हैं हमें, समझ गए इतनी बात। इधर आइए, इसमें कंपाउंड लिपिड में हम लोगों को क्या करना है, कंपाउंड लिपिड में हमें यह करना है कि इसके अंदर फैट तो होगा ही होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें फैट तो होगा ही होगा, लेकिन फैट के साथ में कोई और चीज भी इसमें लगी होगी, जैसे कि मान लो फॉस्फोरस,
या हो सकता है कि कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लगा हो, बिल्कुल हो सकता है। अब आपको शायद बात समझ में आए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉस्फोलिपिड, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलिपिड। यस, ये कंपाउंड में आएंगे। तो पहली चीज देखिए ध्यान से यहां पर, तो पहली चीज जो यहां पर आएगी उसे हम लोग सिंपली क्या बुला रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। दूसरी चीज कौन सी आ गई इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ग्लाइकोलिपिड, ये आपके कौन से लिपिड हुए, इन्हें हम लोग कौन से बोलेंगे, कंजुगेटेड। और तीसरे नंबर पे आप लोग देखेंगे कि यहां पर मैं आपके सामने किसको रख रहा हूं, ड्राइव लिपिड। और ड्राइव लिपिड में फिलहाल फिलहाल आप लोग एक लिख लीजिए जिसको हम लोग सिंपली बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल। समझ गए ना, तो दैट इज सिंपली योर कोलेस्ट्रॉल, बस इससे ज्यादा अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलूं आगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जो भी। अब आगे बढ़ते हैं और अब ध्यान से मेरी बात सुनिए कि अब अगर मैं आगे जाऊंगा तो उससे पहले मुझे आपको पीछे ले जाके एनसीईआरटी समझानी पड़ेगी। तो पहली बात आप ये देखिए कि दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी ने कहा कि ये लिपिड क्या है, वाटर सॉल्यूबल है और दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड। तो अब मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा कि पहले यह बताओ फैटी एसिड क्या होता है, पहले यह तो समझ लो कि फैटी एसिड क्या है। तो देखो क्या बोला फैटी एसिड के बारे में, फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जल्दी बोलो कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होगा, COOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप। फिर इसने कहा अटैच टू एन आर ग्रुप, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप किसी ना किसी आर ग्रुप के साथ में अटैच होगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ये, और यहां पर ये देखो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है किसी ना किसी आर ग्रुप से अटैच होगा। तो आर ग्रुप फिलहाल मैंने यहां लिख दिया, आर ग्रुप यहां लिख दिया। अब तुम्हारी एनसीईआरटी ये कह रही है कि ये जो आर ग्रुप है ना, ये मिथाइल मतलब CH3 भी हो सकता है, मिथाइल मतलब CH3 हो सकता है, इथाइल मतलब C2H5 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे बताओ मैं यहां पर क्या लिखूं, मैं इस आर ग्रुप की जगह क्या लिख दूं, CH3 लिख दूं, चलेगा, मैंने मिथाइल ग्रुप रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया। अब इसने ये कहा हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, और साथ में देखिए आर ग्रुप के साथ में हायर नंबर में क्या हो सकते हैं, CH2 ग्रुप हो सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। तो अब देखो हायर नंबर में क्या होंगे, CH2 ग्रुप होंगे, और CH2 ग्रुप के नंबर कितने हैं, देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि एक से लेकर के 19 तक कार्बन हो सकते हैं। तो हाई नंबर में मुझे यहां बीच में क्या रखने पड़ेंगे, CH2। अब CH2 को तो मैं ऐसे ही रखूंगा ना, CH, ये, अरे भाई यही तो रखना पड़ेगा मुझे। तो हायर नंबर में मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या रखने पड़ जाएंगे, CH2 ग्रुप रखने पड़ सकते हैं। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया, बढ़िया। अब मुझे बताओ ये क्या चीज है, ये बताओ ये क्या चीज है। तब आप ये कहोगे मुझसे, सर इसके आगे आप लिखो दिस इज सिंपली योर फैटी एसिड। अब ये कौन सा फैटी एसिड है, ये किसी नाम नहीं बोला है मैंने अभी, ये कोई सा फैटी एसिड नहीं है, मैंने तो आपको एक जनरल स्केलेटन बना के दे दिया कि ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं। आ रहा समझ में, अब ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल पामिटिक एसिड 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल, इसका मतलब पामिटिक एसिड के बारे में बताया गया, एनसीईआरटी ने बोला कि पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है और इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल भी उसी में है। इसका मतलब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको मिला लिया जाए तो सारे टोटल कार्बन मिला के कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। आई समझ में बात आपको, उसमें आर ग्रुप होना चाहिए, आर ग्रुप की जगह CH3 होना चाहिए या C2H5 होना चाहिए, और हायर नंबर में CH2 होने चाहिए, और टोटल नंबर मार के जब कार्बन के देखोगे तो वो 16 होने चाहिए, और इस तरह की कंडीशन आपकी क्या बन के आएगी, उसे मैं पामिटिक एसिड कहूंगा। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा है। चलिए अब देखो मैं यहां से बना के दिखाता हूं, यहां से एक पेपर और लेते हैं, और अब ध्यान से देखिए, मैंने आपसे ये बोला कि मुझे आपको बना के दिखाना है क्या, पामिटिक एसिड। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं कि मुझे क्या बनाना है, ये मैंने लिखा आपके लिए पामिटिक एसिड, और पामिटिक एसिड के बारे में क्या बोला गया, कितने कार्बन वाला है, कितने कार्बन वाला है, तो आपने कहा पामिटिक एसिड है 16C, यानी ये 16 कार्बन वाला है। अब उस 16 कार्बन में सबसे पहले मुझे क्या रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिल, तो कार्बोक्सिल को मैंने यहां रखा, ये देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप ये आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फिर उसने ये कहा कि कार्बोक्सिल को मिलाकर
16 होने चाहिए। कार्बोक्सिल को मिलाकर कितने होने चाहिए? 16। तो पहला कार्बन तो ये हो गया, फिर एक कार्बन यहां आएगा जिसे तुम लोग कहोगे CH3। तो एक दो, दो कार्बन ये हो गए। अब बताओ बीच में कितने रखूं, जल्दी बोलो बीच में कितने रखूं? 14 कार्बन रखूं, और वो 14 कार्बन जो होंगे वो कौन से वाले होंगे? वो होंगे CH2 वाले। तो अब ध्यान से देखो, मैं ज्यादा ना लिख के यहीं पे 14 लिख दूं तो चलेगा? इसका मतलब बीच में CH2 कितने हैं? 14। ये कितने हैं? 15। और ये कितना हो गया? 16। टोटल मार के कितना आ गया? 16 कार्बन आ गया। इसे हम पामिटिक एसिड कहते हैं। अब जरा दिमाग लगाओ और इधर आओ, और एक मिनट इसे इधर आके देखो। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ। ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है CH3। मतलब एनसीईआरटी ने पहले CH3 लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CH3 लो, मैं उसको इधर कर देता हूं। सो ये वाला COOH मैंने इधर ले लिया, COOH। उसके बाद में CH2 लिखा एनसीईआरटी ने, और यहां क्या लिखा एनसीईआरटी ने? यहां पर 14, और 14 के बाद में यहां क्या लिख दिया? CH3। अब मुझे बताओ ये पर्टिकुलर चीज क्या बन के तैयार हुई? द आंसर इज पामिटिक एसिड। आया कुछ समझ? अरे आया कुछ समझ? आ गया, बढ़िया। पीछे आओ और ध्यान से देखना कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बच्चों जरा ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O OH, अब मुझे बीच में 14 कार्बन रखने हैं, है ना? तो 14 कार्बन रखने के लिए क्या मैं ऐसे कर दूं? एक तो ये है ही, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये आ गया CH3 14। देखो तो क्या ये फैटी एसिड नहीं हो सकता? सोचो ध्यान से। तो कितने कार्बन मैंने लगा दिए इसके अंदर? ध्यान से चेक करो। पहला कार्बन, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये 14वां कार्बन है ना। अरे लेकिन सॉरी, ये कितने हो गए? एक ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वो 12 के बाद 12 ये हो गए 13, 14, और 14 के बाद में अब देखो ये बीच में कितने कार्बन लिए मैंने? 14 कार्बन। देखो यहां पे टोटल कितने कार्बन है? 14 है ये वाले, 1, 2, 3, 4 करके कितने आ गए? 14। 14 के बाद एक ये है, कितने हो गए? 15। और 15 के बाद में एक इधर में लिख देता हूं CH3, ये हो गए 16। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 16। लेकिन आपसे इस तरह के स्ट्रक्चर पूछे नहीं जाएंगे, और आपको जरूरत भी नहीं इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने की। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कुछ इस तरह से भी हम इनको लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे नहीं क्योंकि कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ गए इतना? अच्छा, ये मैंने लिखा क्या है? पामिटिक एसिड। मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ बस एक और पढ़ा रहा हूं, उसको और बर्दाश्त कर लो आप। उसे हम लोग कहते हैं स्टीयरिक एसिड। देखो ध्यान से देखना, यह है पामिटिक एसिड। एक मैं और ले रहा हूं जिसे हम लोग बोलेंगे स्टीयरिक एसिड। तो यहां आ गया स्टीयरिक एसिड। लेकिन सवाल यह है कि यह कितने कार्बन वाला है? यह 18 कार्बन वाला है, यह 18 कार्बन वाला है। और ये दोनों के दोनों कौन से हैं? ये सैचुरेटेड है। पहले मैं आपको ये छोटी सी बात समझा दूं। देखो कंफ्यूजन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होते हैं। देखो ध्यान से देखना, यस इंक्लूडिंग सैचुरेटेड, यस। तो ध्यान से देखो, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड, मतलब विदाउट डबल बॉन्ड। फैटी एसिड जो है कुड बी सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? विदाउट डबल बॉन्ड, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। और अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड होंगे तो उसमें डबल बॉन्ड होगा। मेरी बात समझ आई आपको? तो अब मैं आपको यहां से एक छोटी सी बात समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों, पहले मैं इसके डायग्राम बना दूं आपको फिर से। देखो ये सी आ गया, ये ओ आ गया, यहां पर ओ एच है। अब इसके साथ मुझे यहां पर सी एच टू ब्रैकेट, और उसके बाद में यहां पर मुझे रखना है CH3। कार्बन कितने हैं? 18। तो क्या मुझे बताएगा कोई कि मैं यहां कितने रखूं? भाई एक यहां पूरा हो गया, एक यहां पूरा हो गया, कितने हो गए? दो, दो पूरे हो गए। यहां कितने रखूं? 16। अगर मैंने यहां पर 16 रख दिए तो 17 और एक 18, 18 कार्बन यहां पूरे हो गए। मेरी बात समझ आ गई आपको? आ गई या नहीं आई? अब एक चीज और समझ लो यहां से, वो आपको इसलिए समझाना जरूरी है। देखो ध्यान से कौन सा कलर लूं, ये देखो ये आ गया। इसको मैं ऐसे करके तीर का निशान आगे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, रुकना मत अभी। ये देखो दोबारा बना रहा हूं मैं इसको, C डबल बॉन्ड O OH, और मैंने ऐसे कर दिया। अब गिन नहीं रहा हूं मैं, बस ऐसे ही बता रहा हूं, CH3, ठीक है। ये देखो C डबल बॉन्ड O OH, और मैंने ऐसे कर दिया। अरे थोड़ा ठीक सही कर दो, इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया ये दिखाने के लिए, ताकि 18 कार्बन है टोटल, है ना।
अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इसमें कहीं पर भी ऐसे 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 कोई डबल बॉन्ड दिखाई दिया? कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा। और जब इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा? विदाउट डबल बॉन्ड। मैं देखो क्या लिख रहा हूं, विदाउट डबल बॉन्ड। और अगर विदाउट डबल बॉन्ड मैंने फैटी एसिड बनाया है तो उस फैटी एसिड को हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे। ये बात अब आपको समझ में आ गई है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ। अब मुझे बताओ एग्जांपल क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड के, जल्दी बोलो एग्जांपल क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड के। नंबर वन, पहला है सर पामिटिक एसिड और दूसरा है सर स्टीयरिक एसिड। पामिटिक एसिड समझते हो, पामिटिक पाम, जैसे कई बार मैं कार चलाता हूं ना तो मैं पाम से चलाता हूं, हथेलियों से ऐसे पूरा रख लेता हूं, मतलब ऐसे चलाने में दिक्कत होती है तो पूरा ऐसे रख लेता हूं, है ना, गाड़ी पूरे हाथ से ऐसे पकड़ लिया और ऐसे चलाता हूं। पाम से क्या चला रहा हूं? स्टीयरिंग। पाम से क्या चला रहा हूं? स्टीयरिंग। चेक करो मैं क्या बोल रहा हूं, पाम से क्या चला रहा हूं? स्टीयरिंग। पामिटिक एसिड स्टीयरिक एसिड, पाम से क्या चला रहा हूं? स्टीयरिंग। पामिटिक एसिड स्टीयरिक एसिड, चेक कर लीजिए ये दोनों के दोनों किस चीज के एग्जाम्पल हुए, किस चीज के एग्जाम्पल हुए? सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हुए। इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। आया समझे? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाऊं। इसका मतलब अब मुझे तुम्हें समझाने पड़ेंगे वो समझाने पड़ेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, सॉरी सैचुरेटेड तो बढ़ा दिए, अब मुझे आपको समझाने पड़ेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पहले मुझे ये बताओ ये क्या है, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये है सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है। अब मैं दूसरे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और वो कौन से होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे। और अनसैचुरेटेड का मतलब होगा विद डबल बॉन्ड। मैंने क्या बोला देखो ध्यान से, अब मैं क्या लिख रहा हूं? विद डबल बॉन्ड। अब मुझे नहीं पता डबल बॉन्ड कितने आएंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ऐसे फैटी एसिड अब पढ़ा रहा हूं जिनमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी वो अनसैचुरेटेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एनसीईआरटी खोलो और देखो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी ने कौन से एसिड के बारे में बात की है। मैं येलो कलर से लिख रहा हूं इसको भी, ध्यान से देखो। सबसे पहले उसने बोला अरेकिडोनिक एसिड या आर्चिडोनिक एसिड, जो भी बुला सकते हो बुला लो, आर्चिडोनिक एसिड। और ध्यान से देखना ये कितने कार्बन वाला है, 20 कार्बन वाला। दिखाऊं कहां? ये देखो ये कह रहा है अरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल, यानी उसमें कार्बोक्सिल भी है। आया समझे? उसमें कार्बोक्सिल भी है और कार्बोक्सिल के साथ में टोटल मार के देखोगे तो कितने कार्बन आएंगे? 20 आएंगे। हटा मत दे। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इससे क्वेश्चन बन सकता है कि वो स्टेटमेंट में पूछेगा अरेकिडोनिक हैज या अरेकिडोनिक एसिड हैज, कहां गया ये रहा, अरेकिडोनिक हैज 20 कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, हो गई गलती, एक्सक्लूडिंग कर देगा। इसका मतलब वो आपसे पूछेगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा के 20 है, नहीं, अरे कार्बोक्सिल ग्रुप को जोड़ के 20 बन रहे हैं, हटा के नहीं बन रहे, 20 बन रहे हैं जोड़ के। तो अब मुझे बताओ मैं क्या लिखूं आगे, मुझे बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं? तो इसका फॉर्मूला कैसे रेडी करेंगे? देखो सी के साथ में डबल बॉन्ड ओ के बाद में यहां पर क्या लगाएंगे एच, और एच के साथ में, अब जरा जल्दी से मुझे बताना कि अब यहां क्या करूं, यहां क्या करूं? देखो सी एच टू, और CH2 पे पहले मुझे ये बताओ कि यहां मैं कितने लिखूं, क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर क्या लिखना है CH3, और यहां CH3 लिखना है तो जाहिर सी बात है मुझे यहां पर आप बताइए कितने लिखूं अंदर। तो देखो एक और दो, दो यहां पूरे हो गए। अब अगर दो यहां पूरे हो गए तो फिर मुझे यहां अंदर कितने लिखने पड़ेंगे? 18। क्यों लिखे मैंने 18 ये है 19 और एक ये 20। देखो हो गए पूरे 20, हो गया क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अगर मैं इसका दूसरा फॉर्मूला बनाऊं जैसे मैंने यहां पर बनाया हुआ था तो इसका मतलब यहां पर फिर आपको छोटी सी चीज समझ में आएगी, वो ये C डबल बॉन्ड O और यहां देखो OH, और उसके बाद में ये करना है तुम लोगों को, ये देखो ध्यान से देखना, ये देखो और यहां लाके तुमने इसको फिर से रोक दिया, ये CH3 आया। अच्छा, मैंने अभी आप तुम लोगों से ये बोला है कि इसमें डबल बॉन्ड मिलेंगे क्योंकि ये कौन सा है अनसैचुरेटेड, तो इसमें डबल बॉन्ड मिलेंगे। तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि डबल बॉन्ड कहां कहां मिलेंगे इसमें, कौन से कार्बन पे। तो देखो 5, 8, 11, 14 मान लो 5, 8, 11, 14 एक यहां और एक यहां, कौन कौन से नंबर पे जरूरी नहीं है आपके लिए लेकिन आप चाहे तो नोट कर ले, 5
आठ नौ और ग्यारह, पांच आठ नौ और ग्यारह, अरे सॉरी पांच आठ ग्यारह चौदह, मैं भी कंफ्यूज हो गया, पांच आठ ग्यारह चौदह। अब बताओ मुझे इसमें डबल बॉन्ड कितने दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जल्दी सोचो डबल बॉन्ड बताओ जल्दी मुझे कितने दिखाई पड़ रहे हैं तुम लोगों को, डबल बॉन्ड क्या आंसर आया, डबल बॉन्ड इसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं सर हमें टोटल लगा के चार। तो मैं यहां ये चीज भी लिखूंगा आपके लिए कि कितने डबल बॉन्ड हैं, तो आप ये कहोगे इसमें हैं टोटल फोर डबल बॉन्ड। जल्दी सोचो दिमाग लगाओ और बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, कितने टोटल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने इसके अंदर, टोटल चार हैं। लेकिन एराकिडोनिक एसिड पे तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बस मैं तीन और पढ़ा रहा हूं यार। अब तुम कहोगे तीन, अरे सर ये तो बड़े खतरनाक हो रहा है, अरे कुछ ना हो रहा है खतरनाक, टेंशन ना लो एक और लो। एराकिडोनिक के बाद में एक 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 मैं और पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इसका नाम है लिनोलेनिक एसिड। ध्यान से सुनना लिनोलेनिक एसिड, लेकिन ये लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन वाला है, ये 20 वाला नहीं है, ये कितने कार्बन वाला बच्चे, ये 18 कार्बन वाला है। तो जल्दी से इसका फॉर्मूला रेडी करो, आप लोगों ने कर भी दिया होगा अब तक मुझे लग रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर आ गया आपके पास में एच, इसके बाद यहां पे बीच में बताओ क्या करूं, सी एच टू ब्रैकेट में बंद कर दिया और फिर उसके बाद में मैंने यहां रख दिया सी एच थ्री, जल्दी बताओ अंदर ब्रैकेट में कितना लिखूं, 18 है ना तो 16 कर दूं, 17 18, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा 16। अब इसका दूसरा फॉर्मूला रेडी करो, जल्दी करो दूसरा फॉर्मूला रेडी करो, सी उसके बाद में डबल बॉन्ड ओ उसके बाद में ओ एच, एक ऐसे करके मूव करा दो इसको ऐसे करके और यहां लाके लिख दो सी एच थ्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें डबल बॉन्ड होंगे या नहीं होंगे, होंगे 9 12 15 9 12 15, यानी के 9 12 और 15 पे एक एक डबल बॉन्ड डाल दो फटाफट से, कहां कहां 9 पे 12 पे और 15 पे। तो अब जल्दी बोलो टोटल कितने हो गए, टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं, जल्दी बोलो टोटल कितने डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड, थ्री डबल बॉन्ड इसमें आ गए। समझ आ गई बात आपको, अरे दिख पा रहा है मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है डिस्प्ले में, समझ गए। मैं आपको एक और दे रहा हूं जल्दी से ध्यान से सुनो इसको भी, और इसको हम लोग कहेंगे लिनोलिक एसिड, ये था लिनोलेनिक, एक और दे रहा हूं आप लोगों को मैं लिनोलिक एसिड। बेटा बहुत आसान है ये चीजें, परेशान मत हो, ये भी 18 कार्बन वाली हैं। मुझे एक्चुअली आप लोगों को मूफा और फूफा पढ़ाना है इसीलिए मुझे यहां तक लेके आना पड़ रहा है। अब ये 18 कार्बन वाला है तो क्या इसके साथ भी यही करूं या नहीं करूं, जल्दी सोचो, सेम कहानी यही तो आएगी। अरे भाई इसके साथ भी तो यही कहानी आने वाली है, कुछ और अजब से कुछ अलिफ लैला थोड़ी ना चलने वाला है, यहां यही चीज आएगी, देखो ध्यान से यही। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि इसमें जो टोटल बॉन्ड है वो तीन नहीं होंगे, इसमें टोटल बॉन्ड तीन नहीं होंगे क्योंकि इसमें यहां पर बॉन्ड नहीं होगा, 15 वाले पे बॉन्ड नहीं होगा, इसमें यहां नहीं होगा, समझ गए इतनी बात, अरे समझ गए नहीं, यहां नहीं होगा, इसमें बस दो होंगे 9 पे और 12 पे। अब बताओ जल्दी टोटल बॉन्ड लिखो, यहां पे इसके टोटल बॉन्ड लिखो, टोटल कितने बॉन्ड है, टू बॉन्ड्स मतलब डबल। अब इसके बाद में एक फाइनल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओलिक एसिड, ये लास्ट है, बस ये लास्ट है, एक और है जिसे हम लोग बोलेंगे ओलिक एसिड, ये आ गया, ध्यान से देख लो, दिस इज ओलिक एसिड एंड अगेन ये कितने नंबर वाला है, 18 कार्बन का है, ये भी 18 कार्बन का है। तो मैं क्या करूं यहां पर, क्या करूं जल्दी बोलो, 18 कार्बन आ गए यहां पर भी, क्या करूं यहां पर, जल्दी बोलो, यहां पर भी मुझे सेम यही तो करना पड़ेगा, यही वाला, यानी यही वाला कंटेंट में फिर से ले आऊंगा, ये देखो ये आ गया, यही कंटेंट फिर से आ गया और मैं इसको यहां कॉपी कर देता हूं, ध्यान से देखो ये आ गया इधर, क्लियर हो गया। अब लेकिन इसमें कहानी ये है कि इसमें सिर्फ एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब मुझे यहां से ये चीज हटानी पड़ेगी, देखो इसमें 12वें नंबर पे भी नहीं है, यहां पे सिर्फ 9वें नंबर पे है, तो मुझे ये मिटाना पड़ रहा है आपका, ये लिख लीजिए ठीक है ना। और यहां पर टोटल जो बॉन्ड है वो दो ना होकर के कितने आएंगे बच्चे, एक बॉन्ड आएगा टोटल, बस ये देख लीजिए, वन बॉन्ड ओनली। अब देखो ध्यान से कितनी बात समझ में आई आप लोगों को, सो एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन, लिनोलेनिक में 18 कार्बन, लिनोलिक में 18 कार्बन लेकिन दो बॉन्ड, और यहां पर ओलिक एसिड में एक बॉन्ड। अब मुझे बताओ ये मैंने आपको क्यों समझाया,
आपके सर में दर्द क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि ये तीन एक साथ रखो और ये अकेला एक साथ रख दो। वो क्यों? क्योंकि इन्हें आप लोग बोलोगे पॉली अनसेचुरेटेड एसिड। देखो ध्यान से, पॉली अनसेचुरेटेड एसिड। क्यों बोला इसको पॉली अनसेचुरेटेड एसिड? क्योंकि इसमें अनसेचुरेटेड तो है लेकिन पॉली है। पॉली का मतलब ये हुआ कि दो से ज्यादा बॉन्ड है। और इसे मैं क्या बोलूंगा? मोनो अनसेचुरेटेड। तो इसको मैं बोलूंगा मूफा। दैट इज सिंपली योर मूफा। इतना समझाने के लिए मुझे आप लोगों को ये सारी चीजें बतानी पड़ी। आ रहा है समझ में? तो कितनी सारी चीजें हो गई देखो, पामिटिक एसिड, स्टियरिक एसिड, कौन से हो गए जल्दी बोलो? सेचुरेटेड, यानी कि कोई भी बॉन्ड नहीं होगा डबल। ये कौन से हुए? अनसेचुरेटेड विद डबल बॉन्ड। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही करना है। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर तुम लोग देखोगे तो कौन सा तुम्हें ध्यान रखना है? ये वाला याद रखना है, एराकिडोनिक एसिड। आपसे एनसीईआरटी ये भी नहीं पूछेगी कि बॉन्ड कितने हैं डबल। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिए ताकि बस आपको थोड़ा बैक ऑफ द माइंड याद रखे। हालांकि चीजें खराब नहीं है, ये इतना तो पढ़ते ही हैं बच्चे। आया समझ? तो ये इतनी बात आप लोगों के सामने आ गई। इसे हम लोगों ने बोला है कौन सा एसिड? फैटी एसिड। अब दोबारा वहीं पहुंचते हैं और जरा बात को ध्यान से समझते हैं। दोबारा वहीं पहुंचो और बात को ध्यान से समझो। देखो ये लिखा हुआ है, देखो अनसेचुरेटेड विद मोर वन और मोर डबल बॉन्ड। बस क्लियर, खत्म कहानी। फैटी एसिड की बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़िए। देखिए अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विद अ ट्राई हाइड्रोक्सी, या फिर विच इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका मतलब अब एक नया मुझे फिर से क्या लेना है? एक फैटी एसिड लेना है। सिंपल लिपिड लेना है जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। अब ध्यान से देखो, पहले मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। अब ध्यान से आओ इधर और इधर और इधर आने के बाद में एक नई स्लाइड लेते हैं और यहां से बस थोड़ी देर का लेक्चर हो रही है, बने रहिए थोड़ी देर के लिए साथ में। और यहां से देखिए मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं। दैट इज ग्लिसरॉल, क्या बोला गया? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। तो ध्यान से देखना, दैट इज CH2, दैट इज CH एंड दैट इज अगेन CH2। यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब चेक करो कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप टोटल हो गए, ट्राई हाइड्रोक्सी हुआ या नहीं हुआ। तो दिस इज सिंपली व्हाट, ये आपका ग्लिसरॉल है। चेक करो इधर, इधर चेक करो, इधर चेक करो, कहां गया, कहां गया, कहां गया, यहां 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 ये आ गया। ये देखो ध्यान से, ये आपकी एनसीईआरटी का डेटा है। ये देखिए ये क्या चीज है, ये आपके सामने ग्लिसरॉल रखा हुआ है। तो क्या क्या दिखाई दिया तुम्हें ग्लिसरॉल में? दिस इज सिंपली योर CH2, दिस इज CH, दिस इज CH2, एक हाइड्रोक्सिल, दो हाइड्रोक्सिल, तीन हाइड्रोक्सिल, ये है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आपसे डायग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगी एनसीईआरटी आपसे, वो रख के पूछेगी कि बताइए कि यहां पर ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये इनमें से किसका है। तो उसमें चार पांच ऑप्शन रखे होंगे, उनमें से कोई एक पकड़ना है आप लोगों को। तो समझ जाओ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन मैं किसे कह रहा हूं, मैं ग्लिसरॉल को कह रहा हूं। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब एक नई कहानी करते हैं, सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले मैं आपको वापस एनसीईआरटी पे लेके आऊं ताकि मैं एक चीज दिखा पाऊं आपको। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, दिमाग लगाना इधर, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी कि बहुत सारे लिपिड ऐसे हैं जिनमें फैटी एसिड भी है और उसमें ग्लिसरॉल भी है। इसका मतलब मुझे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन में ये फैटी एसिड जोड़ना है। आप समझ आई बात आपको? तो मैं क्यों ना वहीं पहुंच के ढंग से तुम्हें ये चीज बता ही दूं कि ये कहने की क्या बात है, इसमें कहने की बात क्या है, मतलब क्या मकसद है इसके कहने का। तो पहले मुझे ये बताओ मैं फैटी एसिड को कैसे लिखूं? आप बताओ कैसे लिखो फैटी एसिड को? देखो फैटी एसिड को ऐसे ही तो लिख पाओगे, डबल बॉन्ड O और यहां पर OH और ये ऐसे कर दो ऐसे और यहां लिख दो CH3। अरे यही ना हुआ फैटी एसिड? अब ये मत पूछना कि सर ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो बात की बात है, मैं फैटी एसिड की बात कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं इनको थोड़ा सा क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा इधर रखूं, दिख पा रहा है इसलिए मैं, हां ठीक है, और इसको मैंने यहां रख दिया थोड़ा सा, ये आ गया, ये इतना इतनी दूर रख लेते हैं। दिस इज वॉट, ये आप लोगों के सामने क्या रखा हुआ है, एंड दिस इज सिंपली योर फैटी एसिड। चलो अब मुझे आप एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, देखो मैं यही कर दूंगा सारा। अब मुझे कहीं अलग से कुछ नहीं लेना है, ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये फैटी एसिड, ये ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड है ना, और वो फैटी एसिड कहां है? वो ये रहा, ये फैटी एसिड ये रहा। देखो ध्यान से, अगर मैं इस फैटी एसिड को यहां ले आऊं कुछ इस तरीके से ले आया, और फिर मैं यहां से इन दोनों से, ध्यान से देखो यहां इस पोर्शन से मैं H2 को एलिमिनेट करा दूं,
अगर मैं H2 को एलिमिनेट करा दूं तो यहां पर एस्टर बॉन्ड लगेगा, समझते रहना मेरी बात। और अगर यहां से आपने H2 हटाया तो देखो ध्यान से देखना, एक H गायब, एक O गायब, दूसरा H गायब, बीच में क्या बचा? O, तो मतलब मुझे बीच में O रखना है। ध्यान से देखते रहना, अभी अभी बस हो चुकी कहानी, ये देखिए O और उसके साथ में सामने देखिए ये जोड़ दिया मैंने, समझ गया? अरे अरे समझ में आई बात या नहीं आई आपको? इसे हम लोगों ने क्या बोला, इसे हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। चेक करो मैंने क्या वर्ड बोला, इसका मतलब वन ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड, जल्दी बताओ ये चीज क्या बनेगी? तो आप कहोगे मोनो ग्लिसराइड। समझ आ गई बात आपको? अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि जरा दोबारा वही काम करो, यहां से फिर से एक फैटी एसिड लेके आओ, यहां से फिर से एक फैटी एसिड लेके आओ और उस फैटी एसिड को इस बार यहां रखो। अरे यार ये तो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे कर लिया मैंने ताकि मैं ये रख पाऊं प्रॉपर। ये देखिए, तो अब मुझे क्या करना है, फिर से नया फैटी एसिड यहां पे रखना है। तो क्या करूंगा, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और ये फिर से ये वही चीज आ गई और ये देखो CH3। अब आप कहोगे सर यहां पे फिर से वही बॉन्ड लगाओगे आप, इसका मतलब मुझे आपको यहां से ये हटाना है और यहां पर फिर से ये लगाना है। अब बताओ ये क्या हुआ? तो पहली चीज ये रेडी हो गई आप लोगों की। अब दूसरी चीज बताओ, वन ग्लिसरॉल प्लस टू फैटी एसिड, जल्दी बोलो क्या बनेगा? डाई ग्लिसराइड। बन गया डाई ग्लिसराइड, बन गया डाई ग्लिसराइड। अब आप कहोगे सर फिर तीसरी, तीसरी कहानी क्या शुरू होगी? अरे क्या ही शुरू होनी है, लो ये लो और उसके बाद में फिर से यही चीज, अब मैं फिर यहां पर लाके रख देता हूं, यानी कि ये चीज अब यहां पर जुड़ेगी। अब बताओ जल्दी ये क्या चीज बनी? द आंसर इज सर दिस इज ट्राइग्लिसराइड। अब समझ आया कि जो हम जो फैट खाते हैं वो फैट कौन सी होती है? तो वन उसमें ग्लिसरॉल होता है, प्लस उसमें तीन क्या होते हैं? फैटी एसिड। बताओ ये क्या बना? तो आप क्या बोलोगे? ट्राई ग्लिसराइड। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है किसी को? यहां से वाटर का यहां से एलिमिनेशन चल रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये फैट है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ये पर्टिकुलर चीज ट्राइग्लिसराइड बन गई, ये ट्राइग्लिसराइड बन गया। समझ आ गई बात इतनी? समझ आ गई बात इतनी? दिस इज सिंपली योर ट्राइग्लिसराइड। अब मैं इसका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के बिहाफ पे दिखा रहा हूं। ये देखो ध्यान से देखना ये क्या चीज है, चेक करो। ये देखो CH2 दिख रहा है डिस्प्ले में, CH2 के साथ में ऑक्सीजन C और R1, R1 क्या है? सिंगल फैटी एसिड। इसने ये इधर को जोड़ दिया, इसने ये इधर को जोड़ रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दूसरी चेन है और देखो ये CH2 के साथ ये तीसरी चेन है, तो ये क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड बन गया, नहीं बन गया? ये लिखा हुआ है ट्राइग्लिसराइड R1 R2 R3 आर द फैटी एसिड। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, पहले ये समझा दो मुझे। आई थिंक हो ही गई होगी क्योंकि कुछ खास इसमें ऐसा बचा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। चलिए अब मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं और वो ये है कि आपकी एनसीईआरटी पे वापस जाना पड़ेगा मुझे और यहां से देख के मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी। हियर फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल, इसका मतलब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बॉन्ड बना के एस्टरीफाइड होंगे। आगे देखिए, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, वो मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, वो डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, मतलब दो फैटी एसिड होंगे उसमें, और इसमें ट्राइग्लिसराइड हो गया तो फिर उसमें तीन फैटी एसिड होंगे। आई थिंक इट इज एब्सोल्यूटली फाइन। आगे बढ़िए, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट, इसका मतलब जो हम फैट खाते हैं, सरसों का तेल खाओ, घी खाओ, जो भी खाओ, वो सारी की सारी कौन सी है? वो ट्राइग्लिसराइड है। वो दूसरी बात है कि उसमें अगर अनसेचुरेटेड चेन लगी हुई है तो वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हुआ या अनसेचुरेटेड फैट हुई, और अगर उसमें अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सेचुरेटेड फैट हो गई। बात समझ में आई आपको? अब आप मुझे सोच के बताओ कि कौन सी फैट खाना आपके लिए फायदेमंद है, अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड, सोच के बताओ। एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो एक चीज नोट करो, नोट करो, एक चीज नोट करो, क्या? ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो तेल जो होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब टेम्परेचर अगर कम भी है ना तो भी वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर एग्जाम्पल में कौन सा लिया? जिंजली ऑयल है, एंड हैंस रिमेन ऑयल्स एज इन विंटर। तो आपने देखा आप सर्दियां आने वाली है और जब सर्दियां आ जाएंगी, अच्छी खासी सर्दी होगी, तो भी आप देखेंगे सरसों का तेल है वो तेल तेल ही बना हुआ, वो जमा क्यों नहीं? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। थोड़ी सी भी गर्मी अगर है, थोड़ी सी भी गर्मी है, देखो ठंड आने का मतलब ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर में 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, अबे ब्लड जम जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब रूम टेम्परेचर की अगर तुम बात करोगे, सर्दियों में जनवरी फरवरी आने वाली है, अभी अभी दिसंबर आने वाला है, तो उसमें आपके पास में रूम टेम्परेचर कितना होगा? अरे 6 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, तो टेम्परेचर तो है ना, जीरो थोड़ी ना हो गया, वो नहीं जमेगा।
तो वो जूम टेम्परेचर पर भी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इसलिए वो जमेगा नहीं बल्कि रिमेन एज ऑयल। आगे आगे एक चीज और समझिए, कैन यू आइडेंटिफाई फैट फ्रॉम द मार्केट? हाँ कर सकते हैं, मार्केट से फैट खरीदो। आपको समझ में आ रहा है मैं सूरजमुखी के तेल की बात कर रहा हूँ, डाल्टा घी हो गया, देसी घी हो गया जो घर में आप खाते हो, है ना, पराठे जिसके तल तल के, सफोला के तेल खाते हो तुम लोग रिफाइंड वाला, है ना, अलसी का तेल खाते हैं लोग, सरसों का तेल खाते हैं, है ना, ये सब सारे तेल है। इन सब के बारे में सोच के बताओ तेल कौन से हैं और वो कौन से हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं है, ज्यादा है। इसका मतलब थोड़ी सी भी सर्दी हो जाए तुरंत क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, है ना, नारियल का तेल उसमें से एक है। खैर अब आगे बढ़िए, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, देखो खत्म हो रहा है चैप्टर खत्म हो रहा है, बस थोड़ी देर के लिए बने रहिए मेरे साथ में। आप खुला दिया ना बेचारी को, मैं ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि ये कहानी कुछ ऐसे है कि मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जितने भी ऑयल तुम खाते हो, तो वो ऑयल जो तुम घर में लेके आए तो तुमने एक बार उसको सब्जी में डाल दिया, और सब्जी में डालने के बाद में सब्जी तैयार हुई और आपने उसको खा लिया, तो वो ऑयल जो था उसकी जो फैटी एसिड चेन थी वो सिस फॉर्म में थी। अब ये मत पूछना सिस फॉर्म क्या, सिस फॉर्म में क्या होता है, उसमें बैंड पड़ा होता है और वो जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, इसीलिए आपकी बॉडी में वो अगर वो इकट्ठा हो जाएगा और फिर किसी दूसरे फंक्शन में वो यूज हो जाएगा और आपको मोटापा नहीं आएगा। अब मार्केट में चलते हैं दो मिनट के लिए। मार्केट में क्या हुआ कि वो आप लोगों ने तली हुई चीजें देखी होंगी, कोई पकौड़ी तल रहा है, कोई जलेबी तल रहा है, कोई कुछ कुछ कुछ, तो उसमें क्या किया उसने, कढ़ाई में तेल ले लिया और तेल लेने के बाद में उसको गर्म किया, खोला दिया उसे, फिर उसमें उसने क्या डाला, पकौड़ी डाली या समोसा ब्रेड पकौड़ा जो भी, वो समोसा निकाल के तुम्हें खिला दिया। ये तेल अभी भी सिस फॉर्म में है, अब ये तेल ठंडा हो गया, और जब ये तेल एक बार ठंडा हो गया तो अब ये सिस से किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांस में कन्वर्ट हो गया। अगर ये दोबारा तुमने गर्म कर दिया तो ये ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, और अगर ये ट्रांस में कन्वर्ट हुआ और अब अगर तुमने इस तेल में तली हुई कोई चीज खाई है तो वो फैट अब तुम्हारी बॉडी यूज नहीं करेगी बल्कि उसको स्टोर कर लेगी। फिर दौड़ लगाओ ट्रेडमिल पर दौड़ो, तभी उसको खत्म कर सकते हो, बॉडी उसको यूज नहीं करेगी क्योंकि ट्रांसफॉर्म में आ चुका है। अब आपको समझ में आया कि क्यों हम कहते हैं कि बाजार, अरे रोड साइड फूड आप खाते हो समझ में आता है, लेकिन क्यों हमें इतने ज्यादा नहीं खाने चाहिए? वजह यह है कि अगर आप दिन भर आप पराठे भी खाओ, रोज आप पराठे खाओ, लेकिन पराठे से जितनी कैलोरी तुम्हें मिल रही है क्या वो उतनी यूज भी हो रही है, यूटिलाइज भी हो रही है? अगर यूटिलाइज नहीं हो रही है तो दिक्कत आ जाएगी। मेरे बड़े भाई की शादी थी तो मेरी जो खाना, आप तो जानते हो कि हमारे घर में खाना जब शादियों में बनता है तब चिकन मटन खूब जम के चलता है, तो वहां पे जो खाना बना और खाना बनने के बाद में वो जो तेल बचा ना, वो उस हलवाई ने क्या किया, सारा तेल पतीलों में से निथार निथार के ना एक बाल्टी में भर दिया। वो बाल्टी में भर के, क्योंकि वो मसाला मसाला ग्रेवी मुर्गे की टांग मांग जो भी होती है वो सब तो खा लिया मेहमानों ने, तेल बच गया, तो उसने सोचा लाओ इसको यूज करवा देते हैं मजा आएगा। उसने वो सारे पतीले 6-7-8-10 पतीले बने होते हैं वो सब एक बाल्टी में निथार के भर के मेरे हाथ में पकड़ा दे, बोला सर तेल बच गया घर ले जाओ खाने के काम आएगा। अब मैं उसको ऐसे देख रहा हूं कि यार इससे पहले कि मेरी अम्मी की नजर इस बाल्टी पे पड़ जाए इसे तू हटा ले यहां से, और वही हुआ जिसका डर था। अम्मी आ गई, बोले यार बाल्टी में क्या है, मम्मी तेल है, बोले चल रख रिक्शे में घर जाएगा खाएंगे एक महीने तक। भाई ये तेल एक बार गर्म हो चुका है, ये ट्रांसफॉर्म में आ चुका है, अगर इसको तुमने दोबारा घर में सब्जी में बनाया तो ये यूज नहीं होगा बॉडी के अंदर, और वही फिर आगे चल के CAD कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट अटैक पता नहीं क्या क्या बीमारियां देगा। आपको समझ आई बस क्या कह रहा हूं इतनी देर से? हाँ तो देखो इसको देखो, भुला दिया ना बेचारी को, अरे और खाओ ये पिज्जा बर्गर, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एनीवे यस, अब मैं आप लोगों को यहां पर लेके आ रहा था इस वाले पॉइंट पे, बस एक चीज और देख लो लास्ट और फिर उसके बाद बात खत्म, फिर क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है? देखो ध्यान से देखो, इसमें यह लिखा है कि सम लिपिड हैव फास्फोरस एंड फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, यानी कि कुछ लिपिड में मतलब है वो ट्राइग्लिसराइड लेकिन उसमें फास्फोरस या फास्फोराइलेटेड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है ना, हो सकता है। अब ध्यान से देखो वो क्या है, वो आपको मैं यहीं से दिखा दे रहा हूं, देखो यहां से देखो, पहले चेक करके बताओ क्योंकि अगर तुमने इतनी बात बना ली है तो तुम्हें इतनी बात समझ में आई जाएगी। देखो पहला कार्बन ऑक्सीजन, ये पहला फैटी एसिड हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये दूसरा फैटी एसिड हो गया, ये तीसरा कार्बन, लेकिन अब तीसरे कार्बन के साथ में फैटी एसिड ना जुड़ करके एक फास्फोरिक एसिड जुड़ा पहले, तो फास्फोरिक एसिड समझ रहे हो H3PO4, कैसे बनाते हैं उसको, फास्फोरस अकेला है, ऑक्सीजन OH हो गया H3PO4, यानी फास्फोरिक एसिड लगा हुआ, अभी बोला ना एनसीटी ने के फास्फोराइलेटेड, तो फास्फोरिक एसिड लगा हुआ है और फास्फोरिक एसिड के साथ साथ में एक अदर ग्रुप भी लगा हुआ है, देखो CH2 और ये देखो N के साथ में 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, देखो दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताओ ये पर्टिकुलर चीज क्या बनी, दिस इज सिंपली नोन एज लेसिथिन, ये फॉस्फोरस बन गया, सॉरी
ये एक फॉस्फोलिपिड बन गया। तो लिपिड के साथ में क्या फॉस्फोराइलेटेड है, लिपिड के साथ में फॉस्फोरस लगी हुई है, इसे मैं फॉस्फोलिपिड कह रहा हूं। और एक बढ़िया से फॉस्फोलिपिड का नाम बताओ जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, एंड दैट नेम इज सिंपल, क्या क्या क्या, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, वो है फॉस्फोलिपिड, नाम है उसका लेसिथिन। तो यहां पर इनिशियल स्टेज में जो मैं आप लोगों को ये चीजें समझा रहा था, ये क्या थी, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है मैंने, फॉस्फोलिपिड। अब बताओ ये फॉस्फोलिपिड क्या चीज है, फॉस्फोलिपिड क्या चीज है, ये लेसिथिन है। इसका मतलब उसमें 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 फैट तो है, लेकिन साथ साथ में फैट के साथ साथ में कुछ और भी लगा हुआ है, फॉस्फोरस भी लगा हुआ है। अब आपने देखा होगा कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप लोग पढ़ते हैं कि आपके लंग्स में प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहता है, लेसिथिन भरा रहता है, ताकि वो आपके लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन को फ्रिक्शन से बचाता है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है आपकी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देख लीजिए, इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा, आपको समझना चाहिए ये डायग्राम। और फाइनली ये चीज, इतनी बात आपको, अरे हटो भाई, ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। उसके बाद में अब मैंने आपको बोला था ड्राइव्ड, और ड्राइव्ड में मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था, देखो मैं स्टीरॉइड पढ़ाना की कोशिश कर रहा हूं आपको। स्टीरॉइड में कहां से लिखूं, यहां से लिख दूं, दिख जाएगा आप लोगों को स्टीरॉइड। ये देखो ध्यान से, स्टीरॉइड दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं स्टीरोल्स और एक को हम लोग बोलते हैं स्टीरोन। स्टीरॉइड दो टाइप के, स्टीरोल्स और स्टीरोन्स, स्टीरोल्स स्टीरोन, दोबारा सुन लो, स्टीरोल्स स्टीरोन्स, ओल्स इसके लास्ट में आ रहा है ओल्स। तो स्टीरॉइड में स्टीरोल कौन होगा, कोलेस्ट्रॉल, और ये क्या लिखा हुआ है, स्टीरोन। स्टीरोन में कौन आएगा, हार्मोन, समझ आ गया। मैंने आपको अभी शायद प्रोटीन के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपकी बॉडी में पाए जाने वाले बहुत सारे हार्मोन कैसे होते हैं, कुछ लिपिड के बने होते हैं और कुछ बने होते हैं किसके, प्रोटीन के। तो जो प्रोटीन के बने हुए इनको तो अलग रख दो, लेकिन जो लिपिड के बने होते हैं वो स्टीरॉइडल हार्मोन होते हैं, और स्टीरॉइडल में भी कौन से, स्टीरोन में होते हैं। तो स्टीरोन में कौन से हार्मोन बनेंगे आप बता दीजिए, स्टीरोन में कौन बनेगा, स्टीरोन में हार्मोन बनेगा और इसमें कोलेस्ट्रॉल बनेगा। आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई है। कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम जरा ढंग से देख लो, कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम जरा एक बार ढंग से देख लो, ढंग से आंखें खोल के, कि कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम कैसा है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये चीज पूछी जाएगी। पिक्चोरियल डायग्राम में ये चीजें पूछी जाती हैं, रख दिया उसने पूछ लिया कि इन चार में से बताइए किसका डायग्राम है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इतनी बात बस, आज हम लोग लिपिड को यहीं पे खत्म करेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड को देखने वाले हैं। बड़ा हेक्टिक चैप्टर है और मजा आएगा आपको उसको पढ़ने में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरा चैप्टर आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए हम लोग चैप्टर को यहीं के यहीं रोकेंगे। थैंक यू वेरी मच।